सादर प्रणाम सभी को। मैं नीरजा चौधरी एक बार फिर आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। इस बार के वीडियो में हम बात करेंगे फोर्थ बिम्स्टेक समिट कंक्लूजन की, जो कि 30-31 अगस्त 2018 को नेपाल के काठमांडू में आयोजित हुआ। बिम्स्टेक की सामान्य जानकारी से संबंधित वीडियो हम पूर्व में बना चुके हैं, जिसका नोटिफिकेशन सजेस्टेड वीडियो में दिया गया है। इसकी जानकारी के लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया हुआ है। तो फिलहाल हम बात करते हैं बिम्स्टेक सम्मेलन का क्या निष्कर्ष रहा। बिम्स्टेक सम्मेलन चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि 30-31 अगस्त 2018 को नेपाल में आयोजित किया गया, अध्यक्षता नेपाल ने की थी, और सितंबर 2018 को इसका पहला बिम्स्टेक युद्ध अभ्यास होगा जिसकी मेजबानी भारत करेगा और ये युद्ध अभ्यास पुणे में आयोजित होगा। बिम्स्टेक की जो थीम थी वो थी टुवार्ड्स अ पीसफुल प्रॉस्परस एंड सस्टेनेबल बे ऑफ बंगाल रीजन। बिम्स्टेक सम्मेलन का क्या निष्कर्ष रहा, हम इन बिंदुओं को देख लेते हैं। सबसे पहले मुक्त व्यापार समझौता यानी कि FTA और मोटर वाहन समझौता यानी कि MVA पर वार्ता की गई और बिम्स्टेक ग्रिड इंटरकनेक्शन के विषय पर चर्चा की गई और उस पर सभी देशों की सहमति बन गई है और दो नए प्राथमिक क्षेत्रों जिनमें ब्लू इकोनॉमी और माउंटेन इकोनॉमी पर वार्ता की गई। इसमें ब्लू इकोनॉमी के तहत अर्थव्यवस्था समुद्री क्षेत्र पर आधारित होती है। नेपाल ने नई अध्यक्षता श्रीलंका को सौंपी और अब अगला सम्मेलन श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा। संक्षिप्त जानकारी बिम्स्टेक से संबंधित, स्थापना 6 जून 1997 को बैंकॉक डिक्लेरेशन के माध्यम से हुई थी। गठन के समय इसका नाम बिम्स्टेक था और इसके केवल 4 सदस्य बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड थे, लेकिन बाद में इसकी उद्देश्यों को देखते हुए दिसंबर 1997 में म्यांमार और फरवरी 2004 में नेपाल और भूटान ने भी इसकी सदस्यता ग्रहण कर ली और उसके बाद से बिम्स्टेक बन गया और सदस्य देशों की संख्या 7 हो गई। इसका मुख्यालय ढाका में है। ये संक्षिप्त जानकारी कि जो अभी काठमांडू में सम्मेलन आयोजित हुआ, उस सम्मेलन में क्या निष्कर्ष निकाले गए या किन बातों पर सहमति बनी, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। साथ बने रहिएगा, अगले वीडियो में फिर उपस्थित होंगे नए चर्चा बिंदु के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथ रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।